नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल नीमच एसपी तुषारकांत विद्यार्थी के भाजपा नेताओं के साथ एक फोटो की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। आचार संहिता के चलते इस फोटो को लेकर कई तरह के लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन इस फोटो को लेकर जब हमारी प्रदेश हलचल की टीम ने पड़ताल करी तो जानिए क्या निकला वायरल फोटो का सच। नीमच एसपी व भाजपा नेताओं का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वायरल फोटो को लेकर प्रदेश हलचल की टीम ने की पड़ताल। फोटो के अनुसार अपना जन्मदिन भाजपा नेताओं के साथ मना रहे एसपी, जानिए क्या है वायरल फोटो का सच। 16 सितंबर 2018 आचार संहिता लगने से पहले का दिन, एसपी तुषारकांत विद्यार्थी का जन्मदिन। नीमच एसपी तुषारकांत विद्यार्थी ने नीमच जिले में आम देते ही पुलिस परिवार के सदस्यों का माह में दो बार जन्मदिन मनाने की अनूठी परंपरा शुरू की। हर माह की 1 और 16 तारीख को पुलिस परिवार के सदस्यों का जन्मदिन पुलिस कंट्रोल रूम पर मनाया जाने लगा। 16 सितंबर 2018 के वायरल फोटो की सच की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। हमेशा की तरह पुलिस कंट्रोल रूम आस्था भवन पर पुलिस परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी दिन पुलिस परिवार के मुखिया एसपी तुषारकांत विद्यार्थी का जन्मदिन भी था। कार्यक्रम समापन की ओर था तभी विधायक दिलीप सिंह परिहार व भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत हरित अपनी टीम के साथ पहुंचे और एसपी तुषारकांत विद्यार्थी को जन्मदिन की बधाई दी। तभी किसी ने एसपी को जन्मदिन की बधाई देते हुए फोटो खींच लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश हलचल की टीम ने जब इस वायरल फोटो के सच को लेकर पड़ताल की तो इस वायरल फोटो का सच यह सामने आया कि न तो एसपी तुषारकांत विद्यार्थी भाजपा नेताओं के बीच जन्मदिन मनाने पहुंचे, न ही भाजपा नेताओं को अपने समारोह में आमंत्रित किया। हमेशा की तरह ही पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा था तभी भाजपा नेता भी वहां पहुंचे और एसपी विद्यार्थी को जन्मदिन की बधाई दी। एसपी तुषारकांत विद्यार्थी के जन्मदिन पर एसपी को बधाई देने के लिए शहर की कई सामाजिक संस्थाएं सहित मीडियाकर्मी भी पहुंचे। वहीं आचार संहिता लगने के बाद एसपी तुषारकांत विद्यार्थी के निर्देशों पर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से निष्पक्ष दिखाई दे रही है, जिसका उदाहरण बीते 2 दिन पहले नीमच शहर में देखा गया, जहां मेरा सुझाव मेरा चुनाव के तहत दुकानों के बाहर लगाए गए भाजपा नेताओं के होर्डिंग्स भी पुलिस टीम ने जब्त किए। वहीं कार्रवाई के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत हरित और विधायक दिलीप सिंह परिहार कार्रवाई रुकवाने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस टीम ने नेताओं की एक न सुनी और निष्पक्ष तरीके से नीमच शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजित काठेर ने भी सोशल मीडिया फेसबुक पर पुलिस की इस कार्यवाही की प्रशंसा की और निष्पक्ष बताया, लेकिन आचार संहिता से पहले के इस फोटो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। कुल मिलाकर हमारी प्रदेश हलचल की पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो को लेकर लगाए जा रहे अनगल आरोप पूरी तरीके से गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिला नीमच में गत 1.25 साल से जिला पुलिस द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों का जन्मदिन पाक्षिक रूप से मनाया जाता है। एक पक्ष में जितने भी कर्मचारी और अधिकारियों का जन्मदिन आता है उसको प्रत्येक माह की 1 तारीख और 16 तारीख को जन्मदिन हम लोग आयोजित करते हैं, उसको मनाते हैं। उसमें सिपाही से लेकर के किसी भी रैंक के अधिकारी रहते हैं, उसमें हम जीआरपी, एसएफ और हमारे होमगार्ड्स सैनिक सभी शामिल होते हैं। जो फोटो के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं 16 सितंबर की घटना है। 16 सितंबर को हम लोगों का रेगुलर पुलिस कर्मचारियों के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा था। इत्तेफाक से उसी दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी जन्मदिन था, तो हमारा पूरा स्टाफ पूरे पुलिस कर्मचारी वहां पर हम लोगों के द्वारा आस्था भवन जो पुलिस कंट्रोल रूम में ही है स्थित है वहां पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन का कार्यक्रम समापन के लगभग
जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्हें जब पता चला कि पुलिस अधीक्षक महोदय का जन्मदिन है तो वे भी उन्हें विश करने आ गए थे। और ये कोई अलग वो नहीं है, एक परिपाटी है जो हम लोगों ने यहाँ स्थापित की है पुलिस कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए, उन्हें उनके परिवार को पुलिस परिवार के रूप में एहसास देने के उद्देश्य से। नहीं, जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है इस तरह का जन्मदिन का, उसमें केवल पुलिस परिवार के ही लोग रहते हैं, अमूमन मीडिया कर्मी अवश्य रहते हैं, और जिन अधिकारी कर्मचारियों का जन्मदिन होता है उनके परिवारजन भी शामिल हो सकते हैं। उनको विधायक महोदय को इनवाइट नहीं किया गया था, वह स्वयं उनको जानकारी मिलने पर वो बधाई देने के लिए आए थे, और वो कंट्रोल रूम के पास जो हमारा आस्था भवन है शासकीय है वहीं पर वो आके उन्होंने विश किया था। इसके अलावा और कुछ भी विशेष नहीं है।